गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन सो स्टे होम स्टे सेफ लेट्स begin our today's class. क्लास chapter चैप्टर इज द फ्रेंडली पोस्टमैन जैसा नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंडली पोस्टमैन मतलब एक ऐसा पोस्टमैन की स्टोरी है बेटा जो बहुत ही फ्रेंडली सबको मिलने जुलने वाला ऐसा पोस्टमैन सा तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड वॉज अ बिजी पोस्टमैन ही वर्कड इन अ स्मॉल टाउन एवरी डे ही पुट लेटर्स इन टू हंड्रेड लेटर बॉक्सेज ही लव टू टू दीपल ही मेट ऑन हिस राउंड बेटा फ्रेड जो था वो एक बिजी पोस्टमैन था बहुत बिजी रहता था एक स्मॉल टाउन के अंदर वर्क करता था रोज़ाना वो हंड्रेड लेटर बॉक्सेस के अंदर लेटर डालता था उनको लोगों से बात करना मिलना जब वो लेटर डालने जाता था जो भी लोग उसको मिलते थे उनसे उसको बात करना अच्छा लगता था इज़ योर कोल्ड बेटर ही आस्ट मिस्टर एडम्स हाउ इज़ द पेन इन योर लेग ही आस्ट मिस्टर स्मिथ द पीपल ऑफ द टाउन लव्ड हिम मिसेस सिंह हैड लेमनेट रेडी फॉर हिम बेन हैड द चेस पीसेज लेड आउट फॉर अ गेम जो भी लोग उसको रास्ते में मिलते थे उनसे हमेशा वो उनकी तबीयत पूछता था किसी से उनका कि आपका पैर कैसा है कोल्ड कैसा है और मिसेस सिंह वो भी उसको इतना पसंद करते थे सब लोग कि जो मिसेस सिंह हैं वो तो उनके लिए लेमनेड लेनेड क्या होता है नींबू का पानी वो बनाकर तैयार रखती थी बेन जो है वो वेट करता रहता था कि कब फ्रेड आए और वो उनके साथ चेस खेले देन वन डे फ्रेड वेन फॉर अ हॉलीडे ही पार्क हिज बैग एंड सेट ऑफ आई इवन लुक एट टिल आई गेट बैक ही था अब एक दिन फ्रेंड हॉलीडे के लिए गया उसने अपना बैग पैक करा और तैयारी करी उसने बोला बस अब तो मैं ये स्टैम्प्स पर पोस्ट ऑफिस पर मैं देखूंगा ही नहीं जब तक मैं अपनी छुट्टियों से वापस नहीं आ जाता फ्रेड इंजॉयड द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द हॉलीडे अब फ्रेड जो था ये सोच कर कि भाई अब मैं अपने डेली रूटीन से बोर हो गया हूँ थोड़ा ये पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड सब छोड़ के कहीं छुट्टी पे चलते हैं अब मैं देखूँगा ही नहीं फ्रेंड जो है छुट्टियों पर चले गए तो फर्स्ट फ्यू डेज जो थे अपने हॉलीडेज के छुट्टियों के वो उन्होंने बहुत इंजॉय करे बट आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू मिस द हैप्पी फेसेस ऑफ द फ्रेंड्स अब थोड़े दिनों बाद बेटा वो अपने फ्रेंड्स को जो उनको रस्ते में मिलते थे जो उनके लिए लेमनेड चेस और जिनसे वो पूछते थे उनके फेसेस को हैप्पी फेसेस को वो मिस करने लगे When ही पास लेटर boxes ही felt worse अब जहाँ पर वो घूमने गए थे अब देखिए पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स ये तो सब जगह होता है जहाँ वो घूमने गए जब वो वहाँ से लेटर बॉक्स किसी के आगे से निकलते थे तो उनको अपना डेली रूटीन बड़ा याद आता था वन डे फ्रेंड पास बाय अ पोस्ट ऑफिस लाइक हे जोन ही फेल सो होम सिक दैट ही ऑलमोस्ट टर्नड ना हु बैक होम अब एक दिन जो फ्रेंड थे वो घूमते हुए जा रहे थे तो वो पोस्ट ऑफिस के आगे से निकले जैसा उनका था उनको इतना ज़्यादा होम सिक मतलब अपने घर की जगह की इतनी याद आई कि बस उनका मन कर रहा था मैं वापस मुड़कर घर चला जाऊँ देर वॉज स्टिल अ वीक ऑफ इज हॉलीडे लेफ्ट पर अभी भी उनकी छुट्टियों का हफ्ता बाकी था ही वेंट ऑन इन टू द पोस्ट ऑफिस टू हैव अ लुक अराउंड इट फील्स सो गुड टू स्निफ द ओल्ड स्मेल्स ही वॉज यूज टू अब उन्होंने सोचा चलो भाई पोस्ट ऑफिस जाते हैं अंदर घुसते हैं तो कुछ वहाँ की खुशबू की फीलिंग आएगी तो मुझे अपना वो पोस्ट ऑफिस भी याद आएगा देन ही आर एन आइडिया ही रन आउट टू बाय अ बंच ऑफ पिक पिक्चर ऑन वन ही अब उनको एक आया उन्होंने फटाफट से पिक्चर पोस्ट कार्ड खरीदे और उन्होंने एक, -एक पोस्ट कार्ड पर लिखा हाविंग अ वंडरफुल टाइम मिसिंग यू कि मुझे यहाँ मजा तो आ रहा है पर मैं आप सबको मिस कर रहा हूँ ये पोस्ट कार्ड उन्होंने किसे लिखा अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड वेट बैक टू पोस्ट ऑफिस एंड बॉड स्टैम्प अब फ्रेंड जो थे फ्रेंड वापस पोस्ट ऑफिस गए वहाँ से कुछ स्टैम्प लाए आपको पता है ना जब भी हम बेटा लेटर पोस्ट करते हैं तो उस पर हम स्टैम्प लगाते हैं ही पुट द stamps ऑन द कार्ड्स एंड पोस्टेड them. अब उन्होंने कार्ड के ऊपर स्टैम्प लगाई और लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया अपने फ्रेंड्स को देन ही फेल सो बेटर फिर उनको बहुत अच्छा लगा दे विल बी सो प्लीज एंड सरप्राइज टू हियर फ्रॉम मी ही थाट उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड्स को भी जब मेरा लेटर मिलेगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा स्माइलिंग हैप्पीली ही मूवड ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ इस हॉलीडे अब वो बड़ी खुशी खुशी आगे बढ़े और अपनी बाकी वन वीक की जो छुट्टी बची थी उसको एन्जॉय करने के लिए बड़े क्योंकि पहले तो उनका मन नहीं लग रहा था अब जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स को लेटर भेज दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा तो बेटा जो लोग फ्रेंडली होते हैं हमें हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए सबसे बात करते रहना चाहिए अपने दोस्तों को मिलते रहना चाहिए तो जो लोग फ्रेंडली होते हैं काइंडली होते हैं उनका अकेले कभी भी मन लगता ही नहीं है तो फ्रेड भी एक ऐसे ही पोस्टमैन थे आई होप यू हैव इन्जॉयड द स्टोरी सो दिस इज़ फॉर टूडेज़ क्लास थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल